वैसे भाई ये गलत बात है ना, लगभग 1000 बंदे देखते हैं मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कोई नहीं करता, लाइक भी करते हैं तो 40-50 बंदे करते हैं। तो भाई मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, वॉइस ओवर करता हूँ, एडिट करता हूँ, तो काफ़ी मेहनत लगती है भाई। मेरा मतलब कि फ़र्ज़ है आपके सामने कि आपको कहना कि भाई लाइक सब्सक्राइब कर दिए, लेकिन वो तो आपके हाथ में है ना। तो मैं आपसे केवल निवेदन कर सकता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे भी थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत है। पहला दिन कुशल, क्या हाल चाल? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे भाई। आपकी रैंक कुशिंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी भाई, कई लोगों का कॉन्कर हो गया, जिसका हो गया उसके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिसका नहीं हुआ वो भी आप करते रहिए, आप हार मत मानिए, आपका हो ही जाएगा, आपको भी कुछ ही पॉइंट की जरूरत होगी। बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर आप प्लेटिनम में भी हैं तो डेली कितना का प्लस करें ताकि आपका कॉन्कर जल्दी जल्दी हो जाए। वैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टॉप 100 का पॉइंट 4836 है, मतलब कि अभी जो ये कॉन्करर है टॉप 100, ये 5200 तक चला जाएगा, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। आप टेंशन मत लीजिए, मैचिंग वगैरह कुछ कहीं नहीं जाने वाला है, बस आप टाइम से आपको मैच स्टार्ट कर देना है, आपको सुबह 9 बजे के बाद स्टार्ट कर देना है मैच, और रात को 12 बजे के पहले आपका अपना 6 घंटा पूरा कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं इस गेम प्ले के बारे में। तो यहाँ पे मैं अपना जो मेरा फेवरेट प्लेस रहता है, मैं यहीं पे उतरता हूँ, मेरे साथ में यहाँ पे एक बंदा उतरता है। नीचे गन रहती है बट मैं गन को लेने नहीं जाता, ताकि यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ ताकि मेरे पास हाइट का एडवांटेज रहेगा। यहाँ पे वैसे थोड़ा पिंग का प्रॉब्लम होता है और गन उठ नहीं रही थी, तो फाइनली मैंने इस बंदे को मार दिया। इस बंदे को मारने के बाद यहाँ पे एक और बंदा रहता है जो मेरे को मार देता है। वैसे तो अगर आप प्लेटिनम में हैं तो भी अगर आप डेली का 300 प्लस करेंगे तो आपका जो 3 से 4 दिन में आपको जो क्राउन है वो लग जाएगा, मतलब 4 दिन में आप क्राउन लगा देंगे अगर डेली प्लेटिनम में 50 प्लस करेंगे। वैसे प्लेटिनम में कोई बंदा होगा तो नहीं, अगर कोई होगा बाय डिफ़ॉल्ट तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। और अगर आप डायमंड में हैं तो भी आप डेली का 200 से 250 प्लस करिए और ट्राई करिए, वैसे 300 प्लस हो जाते हैं, मैंने किया है। तो डायमंड पर भी अगर आप डेली का 300 प्लस करेंगे तो भी आपका आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आप 200 प्लस करेंगे तो भी हो ही जाएगा, बट 300 प्लस करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा, ताकि आप 2 दिन 3 दिन के अंदर फिर से आप क्राउन में आ जाएं। और क्राउन में आने के बाद आपको 200 प्लस डेली करने हैं, और अगर आप 250 प्लस कर सकते हैं तो भाई करिए, अगर आप कर सकते हैं तो। लेकिन अगर आप 200 प्लस करेंगे तो वो भी काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, वो आपके लिए कम नहीं रहेगा, तो भी आपका कॉन्कर हो जाएगा। अगर आप एस पे हैं तो आपको 200 से 150 पॉइंट करने ही करने हैं, अगर आप 200 पॉइंट नहीं कर सकते हैं 150 पॉइंट करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, आप जितना कर सकें आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। तो वैसे यहाँ पे एक बंदा था जिसको मार दिया, उसके बाद यहाँ पे एक बोट आता है उसको भी मार दिया। तो मारने के बाद यहाँ पे मैं एंड जोन तक मतलब कि लास्ट तक यहीं पर सर्वाइव करता हूँ। यहीं पर सर्वाइव करने के बाद मैं फाइनली जोन की तरफ एंटर करता हूँ, और एंटर करने के बाद देखना मैं यहाँ पर रोटेशन कैसा करता हूँ। तो अगर आप एस में हैं और आपका 4200-4300 पॉइंट है तो डेली का 150 पॉइंट के लिए आपका आराम से कॉन्कर हो जाएगा। अगर आप एज तक आए हैं तो भाई आपको हार नहीं मानना है, आराम से आपका हो ही जाएगा, इतना प्लस किए हैं आप, इतना टाइम दिए हैं, तो आपने जो भी टाइम दिया है वो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट हो जाएगा अगर आप अभी बंद कर देंगे तो। तो भाई बंद मत करिए, आपको 200-300 पॉइंट की ज़रूरत है, आराम से कर लेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कई बार किया हूँ तो आप भी कर लेंगे। गेम प्ले के बारे में, तो मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी वाड़ी घुमाते रहता हूँ ताकि अगर कोई बंदा कहीं पे कैंप किया हो तो मेरे को दिख जाए। मुझे आगे वाला यहाँ वाला शेक जो है ये अच्छा लगा, तो यहाँ पे एक बंदा रहता है जो मेरे ऊपर स्प्रे करता है, बट उसके स्प्रे से कुछ होता तो नहीं है, मैं बच जाता हूँ, वो बंदा काफ़ी लेट कर देता है स्प्रे करने में। फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी स्मोक करता हूँ ताकि मैं थोड़ी देर तक तो यहाँ पे बचा रहूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे दोनों तरफ बंदे थे, और सामने भी एक बंदा था, लेफ्ट में भी बंदा, राइट में भी बंदा, और यहाँ पे बंदे बचे थे, अभी भी 23 बंदे बचे थे, और जो सर्कल है ये 6ठा 7वां सर्कल अभी स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे मैं अपने राइट में एक नेट डालने का ट्राई करता हूँ, नेट डालता हूँ, और मैं सोचा यहाँ पे अगर कोई बंदा होगा बग्गी के पास अगर एग्जैक्ट होगा तो फट जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली जो ये जोन है अभी नहीं स्टार्ट हुआ, अभी 18 सेकंड बचे हैं, और मेरे दोनों तरफ बंदे रहते हैं और सामने भी बंदा रहता है, तो मैं काफ़ी थोड़ा स्पॉट करने का भी ट्राई करता हूं, बट बंदे स्पॉट नहीं होते, और यहां पे भाई बंदे कम ही नहीं होते, मरते ही नहीं बंदे। फिर यहां पे राइट में मुझे एक बंदा दिखता है, तो देखना इस बंदे को, इसको भाई कितना गंदा मारा, इसको भाई बहुत ही गंदा मारा भाई, ये बंदा सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ पे मर जाऊँगा। फिर मैं यहाँ से जाने का सोचता हूँ बट यहाँ पे मेरी गाड़ी फंस जाती है, फिर मैं गाड़ी को निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं देता, मैं सोचता हूँ यहाँ से पैदल ही चलूँ, क्योंकि मेरे आगे वाला जो बंदा था बग्गी वाला जो मैं ऊपर स्टार्टिंग में स्प्रे किया था वो यहाँ से हट चुका था। फिर मैं सोचता हूँ यहाँ पर आ जाऊँ, बट ये जो रहता है ये जोन में नहीं जाता। फिर मैं सोचता हूँ आगे जो यहाँ पर एक रोलर है यहाँ पर चला जाऊँ, ये जोन में रहेगा,
और मैं इधर पहले से स्मोक भी कर दिया था, तो ये भी शायद जोन में नहीं रहता। फिर मैं यहाँ से भी थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, तो मैं जाते टाइम सो यहाँ पे मेरे राइट में एक बंदा दिखता है, फिर से मैं यहाँ पे पीछा जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ जल्दी जल्दी अपना गन पीछे रखूँ, और यहाँ तक अगर मैं आ गया तो टॉप 10 तो मैं कर ही लूँगा। फिर यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में एक बंदा जाता है और राइट में भी बंदा रहता है, मैं इधर पे शांति से लेट जाता हूँ। काफ़ी देर तक लेटने के बाद मैं सोचता हूँ अपना कैप्सूल कार निकाल के इधर पे रख दूँ, ताकि मेरे को अच्छा सा एक कवर बन जाए। तो मैं अपना कैप्सूल कार निकाला और यहाँ से बंदों को थोड़ा स्पॉट करने का भी ट्राई करता हूँ। मैं अपना सबसे पहले कैप्सूल कवर अच्छे से थोड़ा कवर बना लेता हूँ, ताकि बंदा दोनों तरफ से कोई भी स्प्रे करे तो मैं अच्छा सा मेरे को कवर बन जाए। तो आप भी यही किया करिए, ठीक है? आपको थोड़ा थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं लेना है, आराम से खेलना है। आप हर मैच में टॉप 10 निकालेंगे, 15-20 का प्लस लेके ही जाएंगे, ओके? आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे चारों तरफ स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ बंदों को, बट बंदा यहाँ पे कोई दिखता नहीं। फिर यहाँ पे जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो गया था, मतलब जोन श्रिंक होने लगा था, और मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे घुमाने लगता हूँ, और ये भी मेरे साथ अपनी गाड़ी घुमा रहा था। तो यहाँ थोड़ा आगे आने के बाद मुझे एक बंदा दिखता है, फिर मैं सोचता हूँ यहीं पे चला जाऊँ उस बंदे के पास। वहीं वैसे यहाँ पे मेरा टॉप 10 हो गया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस बंदे को आराम से मार दिया, और उस मारने के बाद ये जोन जो है वो, मतलब कि ये जो कवर है वो जोन में नहीं था, तो मैं यहाँ पे आगे आता हूँ। जैसे भाई मैं इधर पे रुका, मेरी किस्मत इतनी घटिया थी, तो यहाँ पे मुझे यार बैटरी मैसेज आ गया और ये बंदा मेरे को मार देता है। वैसे इस मैच में मैं #6 पे मरा, कोई बात नहीं, और यहाँ पे मेरे 18 के प्लस हुए। तो बात करते हैं हमारे सेकंड गेम प्ले के बारे में। तो इस गेम प्ले में भी मैं यहीं पे उतरता हूँ, यहाँ उतरते ही मुझे एक मोली लगती है, मेरे हाथ में मोली लगती है, और मैं इसको तुरंत नीचे फेंक देता हूँ। एक बंदा था यहाँ पे, मैं सोचा जल के मर जाएगा, बट बंदे को कुछ भी डैमेज नहीं पड़ता नीचे, भाई एक भी गन नहीं मिलता। मैं इधर ऊपर आ जाता हूँ, ऊपर आने के बाद मेरे को वेक्टर मिला, सामने एक बंदा दिखा, तो इसको आराम से मार दी। वैसे ये बंदा प्लेन में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज वगैरह कर रहा था, इसको एक झटके में इधर मैं निपटा दिया। फिर यहाँ पे मैं इसको ऑन करके देखता हूँ, एक बोट दिखता है, और बोट को मैं आराम से मार देता हूँ। फिर जैसे यहाँ पे मैं इसको ऑन के बैठा करके बैठा ही रहता हूँ, भाई एक हैकर बैन हो जाता है। मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई, आप सोच भी नहीं सकते। हैकर में अगर गेम में एक हैकर कम हो जाए तो क्या होता है। तो मैं यहाँ ऊपर आ जाता हूँ, ऊपर आने के बाद इस बंदे को स्पॉट करता हूँ, तुरंत यहाँ पे मार देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ यहाँ पे चला जाऊँ और इस बंदे को लूट लूँ, और एंड तक यहीं पे सर्वाइव करूँगा, और अच्छा खासा हील बेटल यहीं पे करके। फिर यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे लूट ही रहा होता हूँ, लेफ्ट साइड से फायर का साउंड आता है। यहाँ पे दो बंदे लड़ते हैं, और दोनों लड़ के आपस में एक बंदा दूसरे को मार देता है, और मैं इधर पिक करके बैठ जाता हूँ, ताकि बंदा जैसे ही बाहर निकले और उसको मैं आराम से मार दूँ। तो मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ, मुझे पता था कि बंदा इधर से निकलेगा ही निकलेगा। तो बंदा इधर से निकला, एक हेडशॉट और कुछ बॉडी शॉट लगे और बंदा मर गया। और वैसे यहाँ पे एक बंदा रहता है जिसके पास मैं नेट करता हूँ, बट नेट से कुछ होता नहीं, और मेरे ऊपर एक बहुत ही गंदे तरीके से स्प्रे पड़ता है। फिर मैं यहाँ पे बंदे को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, बट बंदा यहाँ पे स्पॉट होता नहीं। फिर मेरे दिमाग में आता है भाई मेरे पास अच्छा खासा लूट है, और मैं इधर से चला जाऊँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं इधर से एक झटके में इधर से तुरंत निकल लेता हूँ। देख लो इस मैच में फिर से मुझे जो बैटरी है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है, वो आप लास्ट में देखेंगे। तो भाई आज मेरा जो बैटरी का कुछ ज़्यादा ही बैटरी वाली किस्मत, मेरी बैटरी से पता नहीं क्या दुश्मनी थी हो रही थी। तो मैं यहाँ पे जोन में एंट्री करता हूँ। तो अगर आप जोन में एंट्री कर रहे हैं तो भाई आप थोड़ा सा गाड़ी अपना घुमाइए और चारों तरफ घुमाते रहिए, आपको देखना है आसपास आपके बंदे वंदे हैं कि नहीं, फिर उसके बाद आपको गाड़ी रोकनी है। तो यहाँ पे मैं समझ गया था भाई इधर कोई बंदा नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन था कि ताकि अंदर कोई बंदा रहे तो मैं मार वार लूँ। तो काफ़ी देर तक यहीं पर रुकने के बाद वहाँ पर सामने एक बंदा रहता है जिसके पास ये बग्गी वाला रश करता है। तो देखना अगर यहाँ पर भाई ये स्प्रे अगर अच्छा लगा आपको तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है? हाँ तो डील पक्की। तो अगर भाई आपको अगर स्प्रे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ बंदे मेरे लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, और फिर मैं सोचता हूँ ये बंदे यहाँ से अगर निकल जाएंगे तभी मैं इनके पीछे जाऊँगा, ताकि मैं आगे जाऊँ तो ये बंदे पीछे से मेरे ऊपर स्प्रे ना करने पाएँ, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ से बंदे निकलेंगे तो मैं भी सोचता हूँ अभी मैं भी निकलूँ। यहाँ पे वैसे एक बग्गी वाला है,
बग्गी निकलती है, मैं भी सोचता हूँ इधर से निकलूँ, फिर से मेरे को बैटरी का मैसेज आ जाता है इधर पे और मेरा 2 सेकंड का वेस्ट हो जाता है। और मैं बैटरी मैसेज की वजह से मुझे थोड़ा सा मैं थोड़ा ज़्यादा पैनिक फील करने लगा था। फिर यहाँ पे प्रेशर में मैं गाड़ी इधर पे ठोकता हूँ, आगे चल के मेरी थोड़ी किस्मत भी ख़राब रहती है, मुझे ये दिखता ही नहीं भाई, यहाँ पे मेरी गाड़ी ठुक जाती है। फिर यहाँ पे मैं अंदर जाता हूँ, जाते जाते यहाँ पे एक बंदा रहता है जो जोन का भी अंदर ही था, बंदे की एक दो गोली मेरे को लगती है, फिर अंत में जाके जो मेरा किल है वो जोन को चला जाता है, बंदे को नहीं जाता। तो फिर भी यहाँ पे मेरे को 12 का प्लस हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होने का भाई, मैं कितनी बार बताऊँ सबका कॉन्कर हो जाएगा। बाय बाय।